इसमें पहला उपन्यास ले तो देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरी दत्त शर्मा की है, ठीक है। और इसके विषय में मतभेद भी है कि यह प्रथम उपन्यास था, यानी कि प्रथम उपन्यास को लेकर जो मतभेद है उसमें यह उपन्यास भी गिना जाता है। और इस उपन्यास की भूमिका में पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को रेखांकित किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो यह बताना है कि पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज में किस प्रकार जरूरी है। पात्रों की बात करें तो लाला सर्वसुखलाल हैं जो परिवार के मुखिया हैं, लाला दौलतराम जो सर्वसुखलाल का बड़ा बेटा है, लाला छोटेलाल उनका छोटा बेटा है, पार्वती बड़ी बेटी है किसकी, सर्वसुखलाल की, और सुखदेई छोटी बेटी है सर्वसुखलाल की, दौलतराम की पत्नी है, ठीक है, जिसे जेठानी के रूप में यहाँ दिखाया गया है और ये अनपढ़ है, और छोटेलाल की पत्नी है जिन्हें देवरानी के रूप में दिखाया गया है और ये पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो प्रमुख पात्रों में सर्वसुखलाल, दौलतराम, लाला छोटेलाल, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम की पत्नी और छोटेलाल की पत्नी, तो ये रहे प्रमुख पात्र। और इनका लड़का भी आता है, वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा उपन्यास है ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। और जो इस उपन्यास की कहानी है वो दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी हुआ साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता के मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में बहकर लगातार अपव्यय करता रहता है और बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता है, उसके कुछ चापलूस मित्र बन जाते हैं जो उसकी चापलूसी करते रहते हैं, और इस तरीके से वो कर्ज में फंस जाता है और बुरी तरीके से फंस जाता है। तो उसके एक वकील मित्र हैं जो है ब्रजकिशोर, लाला ब्रजकिशोर, वे उन्हें संकटों से उबारते हैं, तो ऐसी कहानी है इसमें। और फिर उसके बाद वो जो बुरी आदतें हैं उनसे तौबा कर लेता है, उसको त्याग देता है। प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन, ठीक है, अमीर हैं किंतु गलत संगति के कारण गरीब होते चले जाते हैं, यानी कि कर्जे में फंसते चले जाते हैं, दुर्व्यसनों में ग्रसित हैं, लेकिन मुख्य पात्र हैं इसके। लाला ब्रजकिशोर समझदार और अच्छा इंसान है, पेशे से वकील है, और इनकी पत्नी है प्रियंवदा, और लाला मदन मोहन की पत्नी है कामनी, ब्रजकिशोर की पत्नी प्रियंवदा, मदन मोहन की पत्नी कामनी, याद रखिएगा। और अन्य पात्रों की बात करें तो मुंशी चुन्नीलाल हैं, मास्टर सिंभूदयाल हैं, बाबू और बाबूलाल हैं, ठीक है। और इसमें जो हर किशोर हैं ये मदन मोहन के दुश्मन हैं, ठीक है, लाला मदन मोहन के दुश्मन हैं। और इधर जैसे देखते हैं ये लोग, जैसे मास्टर सिंभूदयाल चुन्नीलाल, ये लोग चापलूस मित्र हैं, ऐसा इनको देख सकते हैं इस रूप में। अगला उपन्यास है गोदान। गोदान के बारे में मैंने चैनल पर इसका संक्षिप्त विवरण कराया हुआ है, सारांश वगैरह बताया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है, यहाँ ध्यान दें। यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अंतिम पूर्ण उपन्यास पूछा जाएगा तो गोदान, और अंतिम अपूर्ण उपन्यास पूछा जाएगा तो मंगलसूत्र, याद रखिएगा। इसमें जो है प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया, यानी कि पूरा समाज इसमें वर्णित है। इसमें हमें हर एक पक्ष देखने को मिल जाता है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें है होरी जो केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान है, ठीक है, धनिया है जो होरी की पत्नी है, और एक जुझारू पात्र है गोबर है जिसका असली नाम गोवर्धन है, होरी का पुत्र है, सोना और रूपा। सोना जो है होरी की बड़ी बिटिया है और रूपा होरी की छोटी बिटिया है। सोना की उम्र कितनी है, सोना की उम्र 12 साल है और रूपा की 8 साल है, ठीक है। सोना का विवाह किसके साथ होता है आप बताइएगा कमेंट में। पंडित दाता दीन महाजन है और जो बाद में इनके साझीदार भी बन जाते हैं होरी के, जब होरी कर्ज में एकदम ग्रसित हो जाता है तब। और पंडित माता दीन दाता दीन के बेटे हैं, ठीक है, उनका पुत्र है, और इसका संबंध चल रहा है सिलिया के साथ। और अन्य पात्रों को देखें जिसमें दुलारी सहुबाइन है जिनकी दुकान है तेल की और तंबाकू की, पटेश्वरी लाल हैं, झिंगुरी सिंह हैं, झुनिया है, ठीक है। अब देखिए होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, होरी की पत्नी धनिया, गोबर की पत्नी झुनिया, ऐसे याद रखिएगा। सिलिया है, भोला है, नोहरी है, हीरा, पुनिया, शोभा, ये सब इसके पात्र हैं। राय साहब अमरपाल सिंह हैं और उनकी बेटी मीनाक्षी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका एक बार सारा वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें ये सारी कहानी एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर मेहता हैं जो दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और प्रोफेसर हैं। मिस मालती हैं, वो भी एक मॉडर्न महिला हैं, आधुनिक स्त्री हैं और डॉक्टर हैं। सरोज है जो मालती की बहन है, मिस्टर खन्ना है, मिल मालिक है और बैंकर है। गोविंदी है खन्ना की पत्नी, यो में एक आदर्श भारतीय स्त्री है। संपादक है ओंकारनाथ, मिस्टर तंखा और मिर्जा खुर्शीद, ये सारे इसके पात्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। इसके जो उद्धरण वगैरह है वो सब हम लोग अलग से किसी वीडियो में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास की। अगला उपन्यास लें तो शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय का है। ये एक बहुचर्चित उपन्यास रहा है और एक विवादित उपन्यास भी रहा है, ठीक है। कुछ उपन्यासकार या यूं कहें कुछ साहित्यकार इसे अज्ञेय की ही जीवनी मानते हैं, और वे ऐसा मानते हैं जो उसमें शेखर है वो अज्ञेय ही है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें एक व्यक्ति की जो मन में चल रहा होता है उसको बहुत सुंदर तरीके से अज्ञेय जी ने उभारा है, ठीक है। और इसमें कुछ वैचारिक द्वंद्व भी हैं, जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि, मतलब ऐसी बहुत सारी इसमें द्वंद्व देखने को मिलते हैं। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, वो विद्रोही प्रकृति का है, ठीक है। जो परंपरागत मान्यताएं चली आ रही हैं उसको अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है, ठीक है। दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इसमें शेखर है वो स्व की खोज का प्रतीक है, यानी कि खुद की खोज कर रहा है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदार होने को संघर्षपूर्ण है, यानी कि वो ऐसा होना चाहता है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास में चार खंड हैं जिसमें देखते हैं उषा और ईश्वर पहला खंड, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, और चौथा पुरुष और परिस्थिति, ठीक है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, शेखर के अंदर विद्रोही चेतना में दिखाई देती है, प्रेम की भावना का चित्रण,
इसमें हुआ है, ठीक है। और इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। और प्रमुख पात्रों की बात करें तो शेखर है, शेखर कथा का नायक है और विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। शशि है जो शेखर की ममेरी बहन है और उपन्यास की नायिका है, शेखर की माँ है। और सरस्वती है जो शेखर की बहन है और शेखर की प्रेरक भी है और उसकी गुरु भी है, ऐसा कह सकते हैं। शारदा है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। शांति है, शांति 18-19 वर्ष की एक बालिका है जो तपेदिक रोग से पीड़ित है। तो ये रहे इसके कुछ प्रमुख पात्र। अब इसमें अगर कुछ और डिटेल करना चाहेंगे तो उसको बात करते हैं, इतना जरूरी नहीं, ठीक है। इतना जितना था उतना हमने देखा पात्रों के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, उपन्यास है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और इसमें हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकता का वर्णन हुआ है। इसमें सिर्फ कथानक को ऐतिहासिकता से मतलब इतिहास से लिया गया है, बाकी सारी चीज़ें कल्पना है और कल्पना के आधार पर गढ़ी गई है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो बाणभट्ट हैं जो हर्ष के राजकवि हैं, जिनका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है और इन्हीं से निपुड़िका और भट्टिनी प्रेम करती हैं। उसके बाद निपुड़िमा है जिसे निउनिया भी कहा जाता है, वो भट्टिनी की सेविका है। भट्टिनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है, ठीक है, यानी कि राजपुत्री है। महामाया महारानी राजश्री की सौत है, राजश्री कौन है, हर्ष की बहन है। और अन्य पात्रों की बात करें तो चारुस्मिता है, आचार्य पाद है, अघोर भैरव है, विग्रह वर्मा है और मदन श्री है, कुमार कृष्णवर्धन है, सुचारित है। तो इस प्रकार इसके कुछ प्रमुख पात्र हमने देखे। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका है, 1954 में प्रकाशित हुआ था और इसका भी डिटेल मैंने कराया है। अगर आप चाहें तो जाकर महिला आंचल का भी वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपके माइंड में एक बार पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। इस उपन्यास की बात करें तो यह उपन्यास जो है ये फणीश्वरनाथ रेणुका का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पुरिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत एवं समग्र कथा कही गई है और इसमें जो अंचल है जिस अंचल की कथा कही गई है वही इसका नायक है। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों के पाखंड को बेहतरीन तरीके से रेणु जी ने दिखाया है। इसके पात्रों की बात करें तो इसमें बहुत पात्र हैं, लगभग 250 से ज़्यादा, एग्जैक्ट बात करें तो इसमें 256 पात्र हैं। प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत जो मेरीगंज में रिसर्च के लिए आते हैं, ठीक है। कमली है, बावन दास है, बालदेव है, दोहराव है, लक्ष्मी है, तहसीलदार विश्वनाथ है, कालीचरण है, प्यारू है जो प्रशांत का सहायक है। अगला उपन्यास है झूठा सच, झूठा सच भी कराया गया है, चैनल पर वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो झूठा सच यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि पर रचित है। इसमें दो खंड है, वतन और देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का क्या आलम था। तारा ही इस उपन्यास की वह लड़की है जो सबसे ज्यादा विभाजन की पीड़ा जिसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही परेशान हुई है पूरे उपन्यास में। इस उपन्यास में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक और इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र देखने को मिलते हैं जो आज़ादी का सम्मान भी करते दिखाई देते हैं और अपने पथ पर ईमानदारी से डटे हुए भी दिखाई देते हैं। और विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहां के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दावपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, ये सारी की सारी चीज़ें और स्वतंत्रता के बाद की जो सामाजिक स्थिति रही है उन सब का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। आप एक बार इसका सारांश देखेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी माइंड में। मुख्य पात्रों को देख लेते हैं और कुछ अन्य पात्रों को भी इसमें हम देखेंगे। जैसे तारा है, मध्यवर्गीय है लेकिन प्रगतिशील सोच की परिचायक है, एक आम लड़की है, ठीक है। विभाजन की त्रासदी को सबसे ज्यादा तारा ही झेलती है। जयदेवपुरी है, मध्यवर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, विभाजन के कारण परिवार से अलग हो जाता है और बाद में कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनता है और विधायक भी बनता है। कनक है, संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है, जैसे जयदेव से प्रेम विवाह करती है और बाद में फिर दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। एक बार आप जब इसका सारांश वाला वीडियो देखेंगे ना तो ये सारी की सारी कहानी आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। अन्य पात्रों की बात करें तो असद है, लाहौर में कामरेड है, मतलब कामरेड युवा है, कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। शीला है जो राम ज्वाला की पुत्री है, ठीक है। दो पात्र मिलते हैं इसमें जहां से शुरू होता है, राम ज्वाला और राम दुभाया। और उसके बाद डॉक्टर प्राणनाथ है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज है जो एक आवारा युवक है जिसका विवाह तारा से होता है। पंडित गिरधारी लाल है जो नया हिंद पब्लिक के मालिक हैं, पब्लिकेशन के मालिक हैं। महेंद्र नैयर हैं, वकील हैं। कर्मचंद्र कशिश पैरोकार पत्रिका में मुख्य संचालक हैं। दौलू मामा हैं जो शरीर भोला आदमी के रोल में यहाँ पे दिखाई देते हैं और अकारण जो है बलि का बकरा बनते हैं सांप्रदायिक दंगों के। रतन शिशो का प्रेमी है, गौस मोहम्मद प्रकाशक है, महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेहर कौन है, दंगे में भटकी तारा के साथी है। और नब्बू जो है तारा से बलात्कार करने वाला है, ठीक है, तारा से जो बलात्कार करता है नब्बू है। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले का हाफिज है। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उर्मिला बंती, ठीक है। प्रसाद अग्रवाल साहब, ये अग्रवाल साहब दिल्ली बड़े व्यापारी हैं। पुरुषोत्तम है, अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। नरोत्तम है, मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र भी है, ठीक है। पुरुषोत्तम और नरोत्तम अग्रवाल के दो बेटे हैं। मिस्टर रावत सचिव है गृह मंत्रालय में। तो इसी तरीके से अन्य पात्र हैं, डॉक्टर श्यामा है, तो ये डॉक्टर है और कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है। इस तरीके से ये रहा झूठा सच के प्रमुख पात्रों को हमने देखा, इसके बारे में जो जरूरी चीज़ें थी उसको देखा। आगे बढ़ते हैं
दूसरा पार्ट है इसका देश का भविष्य। और उसके बाद आगे चलते हैं तो मानस का राजहंस जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है 1972 में प्रकाशित हुआ था, और यह तुलसी के जीवन का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। तुलसी के जीवन के बारे में यहाँ दिखाया गया है। मुख्य पात्र है तुलसी जो केंद्रीय पात्र है, और इनके बचपन का नाम क्या है? राम बोला। कहते हैं कि जब पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, राम का नाम लिए थे, इसी वजह से इनका नाम राम बोला पड़ गया था। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है जो तुलसी को पाल पोस के बड़ा करती है। और नरहरी बाबा हैं, तुलसी के गुरु हैं और अभिभावक हैं। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आ सकते थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है लेकिन उनकी कुछ पंक्तियों को लेकर इन्होंने आधार बनाया है अमृतलाल जी ने कि वे उस पर आ सकते थे मोहिनी पर। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है और जो बाद में इनकी पत्नी बनती है तुलसी बाबा की। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं, टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, ये लोग तुलसी के मित्र भी हैं और तुलसी के अनुयायी भी हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले हैं यानी कि रत्नावली के भाई। तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। और बटेश्वर दत्त, रविदत्त, वैदेही बल्लभ, ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, यानी कि एक तरीके से कहें कि ये लोग तुलसी से ईर्ष्या रखते हैं, ये तुलसी के दुश्मन हैं। ठीक है, मैना का हारिन, बकरीदी कक्का और ये सब भी इसके पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास की तरफ से। तमस किसका है? भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का है। ये भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन है। और यह उपन्यास दो खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं जिसमें उनकी कथाएं चलती हैं। उपन्यास का आरंभ कैसे होता है? तो नत्थू चमा द्वारा सुगर मारने की घटना से होता है। ठीक है, तो ये अनजाने में होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, बाद में यही हम देखते हैं कि दंगे भी करवा देता है। वह नत्थू चमार को 5 रुपये देकर सुअर मरवाता है। ठीक है, तो अब चमार को 5 रुपया दिया, सुअर मारा गया और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है, तो मुसलमानों में खलबली मच जाती है और फिर मुसलमानों को लगता है हिंदुओं ने किया है, तो वो लोग गाय मार के फेंकवा देते हैं, तो इसे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। और इसमें हाथ किसका है? उस अंग्रेजी सरकार के चमचे मुराद अली का है। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह गंभीरता को जानते हुए भी इससे अनजान बना रहता है जिसके परिणाम स्वरूप शहर में लूट, हत्या, आगजनी, ये सारी चीज़ें खुलकर होने लगती हैं और ये गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है, दोनों ओर बकायदा मोर्चे खुले हैं, भयानक रक्तपात होता है और सिख औरतें जो है अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस तरीके की कहानी इसमें घटित होती है। कभी डिटेल में इस पर चर्चा कर लेंगे जहां हम इसका संक्षिप्त सारांश देख लेंगे, इसके बारे में मतलब ये कहानी माइंड में क्लियर हो जाए इस तरीके से देख लेंगे किसी और वीडियो में। अभी प्रमुख पात्रों को देखते हैं। तो इसमें नत्थू है, निम्न वर्गीय पात्र है, जाति से चमार है, ठीक है, और भोला आदमी है और सीधा आदमी। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल है, इसमें खल चरित्र यानी खलनायक है, सुगर षड्यंत्र का रचयिता है और बाद में अब देखिए पूरा दंगा ही भड़कवाता है और बाद में यही शांति की अपील भी करता है माई पकड़ के। बक्स जी है, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मेहता जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और कामचोर भी हैं और स्वार्थ के लिए रामदास जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनरल सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है, कई बार जेल भी गए हैं और जनरल सिंह नेहरू के साथ रावी के तट पर नाचते भी हैं जब स्वराज की मांग पूर्ण होती है। शंकर लाल हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेहता के विरोधी। और मेहता कौन है एक बार याद दिला दूं, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। रिचर्ड की बात करें तो रिचर्ड अंग्रेज अफसर है, शहर का डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है। लीजा रिचर्ड की पत्नी, वान प्रस्थी जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक और धर्मगुरु। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण, प्रधान जी का नाम क्या है? लाला लक्ष्मी नारायण। ये शहर के बड़े व्यापारी हैं और वान प्रस्थ के चेले हैं। रघुवीर दानवीर प्रधान जी का यानी लक्ष्मी नारायण का 15 वर्षीय पुत्र है जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है, ठीक है। यह युवक समाज का नेता यानी कि जो हिंदू बच्चे हैं उनका कट्टर नेता बनता फिरता है, 15 वर्षीय बालक है। देवव्रत मास्टर जो है ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वह अखाड़ा संचालक हैं और ये युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य करते हैं। हयात बख्श मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, मौलादाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, शहनवाज शहर का एक रईस मुसलमान है, नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है, युवा है, प्रियदर्शी है और यही वह व्यक्ति है जो लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर भी उपन्यास के अंदर इसमें भी धार्मिक उन्माद भड़क उठता है जब चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं तो वो इससे ये भी अछूता नहीं रहता। रघुनाथ है, ये शहनवाज का दोस्त है। मिल्खी रघुनाथ के घर का नौकर है, ठीक है, जिसके ऊपर अनायासी शहनवाज का कट्टर मजहबी फूट पड़ता है, यानी कि शहनवाज के अंदर जो कट्टरता है वो इसके ऊपर अनायासी फूट पड़ती है। देवदत्त कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता जो अंत तक अपने साथियों संग मिलकर अमन चैन बनाए रखने की अपील और कोशिश करता है। इब्राहिम इत्र फरोश शिवालय के मोहल्ले के आसपास घूम घूमकर इत्र बेचने वाला लड़का है। कौन? इब्राहिम इत्र फरोश। इंद्र 12 वर्ष का लड़का है, देवव्रत मास्टर का चेला है, रणवीर का साथी है। यह बच्चा इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या कर डालता है, इंद्र इब्राहिम की हत्या कर देता है। ये सब सांप्रदायिक दंगों के कारण हो रहा है। हरनाम सिंह ये इलाही बख्श गांव का मतलब ढोक इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख है। बंतो हरनाम सिंह की पत्नी है। गुरुद्वारा सैयदपुर का ये वो गुरुद्वारा है जहां पर सिख लोग अपना हथियार इकट्ठा करते हैं, सैयदपुर गुरुद्वारा। तेजा सिंह
गांव ढोक मुरीदपुर के मुखिया हैं, संगत व सिख सेना के प्रतिनिधि हैं। और सोहन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे में सिखों मुसलमानों को एक दूसरे को समझाने की बात कहता है, ठीक है, और ये देवदत्त का साथी है। मीरदाद कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है, सोहन सिंह का मित्र है, यह दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है। राजो ढोक मुरीदपुर की नेक दिल मुस्लिम स्त्री, क्या नाम है, राजो हरनाम सिंह व बंतों को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है। अल्लाह रखा ये पात्र है, यह अपने ही गांव की एक हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों का अनुरक्त था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है और बाद में प्रकाशों की स्वीकृति मिलने पर उसी के साथ रहने लगता है। अब देखिए किस प्रकार लोग अपना व्यक्तिगत फायदा भी यहां पर उठा रहे हैं, इस उपन्यास में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य पात्रों में एक पात्र है प्रकाशो, ठीक है, ये ब्राह्मण माता पिता की भटकी हुई संतान है। तो इस प्रकार ये रहा, हमने देखा यहां पर तामस के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, अगला उपन्यास है राग दरबारी। ये श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है और शिवपालगंज नामक गांव में ये सारी घटना चलती है। इसमें भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जात इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंचता है। मुख्य पात्रों की बात करें तो बैद जी हैं जो इसके मुख्य पात्र हैं। शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति छगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर है। रंगनाथ बैद जी का भांजा शहर में रहता है, इतिहास में एमए करने के बाद रिसर्च कर रहा है। रूपन बाबू बैद जी का छोटा बेटा जो कई सालों से दसवीं में है, यानी कि बार बार फेल हो जाता है और खुद को छात्र नेता समझता है। गया दिन की बेटी बेला से भी प्यार करता है, कौन, रूपन बाबू। और बद्री पहलवानी बैद जी का बड़ा बेटा है, पहलवानी करता है, आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है, ठीक है। पहले कौन थे बैद जी, इनके पिता, अब बाद में ये सनीचर, इसका नाम है मंगलदास। बैद जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है और आगे चलकर गांव का मुखिया बन जाता है, प्रधान बन जाता है। गया दिन ये बनिए का काम करता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं और गांव में एक आटा चक्की भी चलाते हैं, उसके मालिक हैं। खन्ना मास्टर इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर हैं और जो गुटबाजी होती है कॉलेज के अंदर उसके अग्रणी नेता हैं। बेला की बात हमने की, गया दिन की एकमात्र लड़की है। रूपन और बेला के प्रेम के जो चर्चे हैं वो पूरे शिवपालगंज में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। लंगड़ एक पैर का व्यक्ति है और ये जो है जो सरकारी प्रक्रिया है, पूरी सरकारी ढांचा है, उसका एक प्रताड़ित व्यक्ति है, उसका एक प्रताड़ित प्रतीक है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है और गवाही देने से कभी भी नहीं उगता, चाहे जहां गवाही दिलवा लो। जोगनाथ शराबी है और बैद जी का ही आदमी है जोगनाथ। तो ये बात हुई राग दरबारी की, श्री लाल शुक्ल 1968 का उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं जिंदगी नामा। इसके बारे में भी हमने चैनल पर बात की है, वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आपके माइंड में कहानी क्लियर हो जाएगी। एक मोटा मोटी समझ आप कहानी के बारे में, मतलब उपन्यास के बारे में बना लेंगे तो उतना मुश्किल नहीं रह जाता किसी भी चीज़ को समझ पाना, पात्रों को याद करना। ऐसे मुश्किल होता है पात्रों को याद करना, लेकिन जब कहानी आपके माइंड में बन गई तो पात्रों को याद कर पाना मुश्किल नहीं रह जाता। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास, तथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है यह उपन्यास। इसके पन्नों में इसे पढ़ते समय हमें बादशाह, फकीर, सहसा, दरवेश और किसान सब एक साथ खड़े मिलते हैं। मुख्य पात्रों की बात करें तो शाह जी हैं, शाह जी जमींदार हैं, शाहनी हिंदू परिवार की सहयुक्त महिला है और शाह जी की पत्नी है। काशी शाह शाह जी का छोटा भाई है, बिंद्रादेई काशी शाह की पत्नी है, ठीक है, यानी कि शाहनी की देवरानी है। लाली शाह ये शाह जी का पुत्र है जो बहुत बाद में शाहनी और शाह जी से उत्पन्न होता है। सलामत अली है, राबिया है, राबिया कौन है, जो लाली शाह के मतलब लाली का पालन पोषण करती है, ये लाली का पालन पोषण करती है और शाह जी पर आसक्त भी रहती है, उन्हें पूछती है एक तरीके से कहा जाए तो। नजीर, मेहर, कल्तार, दिलबाग, चन्नी नेसी, रेशमा, चौधरी फतेह अली, ये सारे अन्य पात्र हैं। चैनल पर वीडियो है, एक बार देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अन्य पात्र जो है वो भी वहाँ देखने को मिल जाएंगे कहानी के साथ साथ। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है और यह 16 भागों में विभक्त है। प्रकाशन 1970 में हुआ था और इसका प्रारंभ शकुन और बंटी के भावनात्मक वर्णन के साथ होता है। शकुन बंटी की माँ है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार हो गया है। शकुन और अजय का तालाक हो चुका है। अजय बंटी के पिता, शकुन बंटी की माँ, दोनों का तालाक हो जाता है। इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू से चलता है और जब दोनों का तलाक हो जाता है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है, यही दिखाया गया है इसमें। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों में पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाते हैं, एक तरीके से अभिशप्त हो जाते हैं। बंटी केंद्रीय पात्र है इसका, प्रमुख पात्रों में देखते हैं। अजय और शकुन का बेटा है, शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी के पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है और डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, यानी कि दोनों दूसरी शादी कर लेते हैं, शकुन डॉक्टर जोशी से और अजय मीरा से। वकील चाचा है, टीटू है जो बंटी का दोस्त हमने देखा। अमी जोशी का बेटा है। अमी कौन है, जोशी का, जोशी कौन है, शकुन के दूसरे पति। ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी है। प्रमिला की बात करें तो प्रमिला जो है जोशी की मृत पत्नी है। चीनू मीरा का बेटा है, फूफी शकुन के घर की नौकरानी है। मीरा की बात की हमने, जैसे चीनू देखा, चीनू मीरा का बेटा है, तो मीरा कौन है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। कुन्नी कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख पात्र ये रहे। अब चलते हैं धरती धन्ना अपना। ये उपन्यास भी मैंने चैनल पर कराया है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मैं बताता चल रहा हूं ताकि अगर आपको कहानी सुननी है, उपन्यास के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लें, कम समय में ज़्यादा जान जाएंगे। धरती धन्ना अपना ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है।
और यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दुआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के एक दलित समाज की कहानी पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानो है, ठीक है, काली नायक है और ज्ञानो नायिका है, जिसे बाद में उसके भाई और उसकी माँ मिलकर मार देते हैं। संख्या खिलाफ उपन्यास का प्रारंभ इसी से होता है कि जब 6 वर्ष बाद काली कानपुर शहर से कमाकर लौटता है, वहीं से इसका शुभारंभ होता है। कुत्ते भौंककर उसका स्वागत करते हैं, गोबर की गंध आती रहती है, जैसा एक दलित मोहल्ला होता है वैसा एकदम दिखाया गया है। और मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें काली है केंद्रीय पात्र है, ज्ञानो काली की प्रेमिका है, प्रतापी जो है वो काली की चाची है, जिसने काली को पाल पोसकर बड़ा किया था, क्योंकि काली के माता पिता पहले ही गुजर गए थे बीमारी के चलते। जस्सो ज्ञानो की माँ है, मंगू ज्ञानो का भाई है, दोनों मिलकर ज्ञानो को बाद में मार देते हैं। चौधरी हरनाम सिंह ये गाँव के चौधरी है। छज्जू शाह साहूकार है, जो काली से पैसे रखता है और उसे बताता है कि जो यहाँ के चौधरी साहब हैं वो जो यानी कि जो उच्च तबका है वो तुम्हें यहाँ घर बनाने नहीं देगा। बिशनदास डॉक्टर है। निहाली काली की पड़ोस की ताई है और जीतू की माँ है, जीतू काली का दोस्त है, प्रीतो पड़ोस की चाची है, ठीक है। निक्कू प्रीतो का पति है। मुंशी शिवराम गांव का मास्टर, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतू पिता चन्नाराम और ठाकुरी ठाकुरी माता का पुत्र है, यानी इसके पिता चन्नाराम है और माता ठाकुरी है। सिद्धू काली के चाचा है, ठीक है, चाची कौन है, प्रतापी और सिद्धू चाचा। अमरू निक्कू का बेटा है, ठीक है, निक्कू कौन है, प्रीतो का पति है और प्रीतो जो है उसकी पड़ोस की चाची। इस तरीके से आप बना के याद करेंगे, ठीक है। दीनू गांव का कुम्हार है, लच्छो प्रीतो की पुत्री है, ठीक है। तो अमरू और लच्छो ये दोनों भाई बहन हैं। हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है और उसके बाद नाहर सिंह संता सिंह का भाई है। नंद सिंह है, ये मोची है जो जाति बदलता रहता है फिर भी इसे इज्जत नहीं मिलती है, वो चमार ही कहलाता है। इस कहानी को आप एक बार सुनिएगा वहाँ पे जाकर उपन्यास को, तो सारी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी। ठाकुरी नंद सिंह की पत्नी है, संता सिंह मिस्त्री है और बढ़ई का काम करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने यूनिट 6 खत्म की, सभी उपन्यासों के प्रमुख पात्रों को देखा और उसके बारे में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हमने जाना।